गाइज, क्या आप भी इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है काइन मास्टर। तो दोस्तों, अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काइन मास्टर का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हमें स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले काइन मास्टर ओपन किया है और ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले ये प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम फिलहाल क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद ये गाइज हमें 60:9 वाले आइकन को सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, ये मीडिया वाला आइकन दिख रहा है दोस्तों, इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद हमें ये बैकग्राउंड दिख रहा है, ये फर्स्ट वाला, तो इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद हमें एक कोई सा भी बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल चलिए मैं ये वाला बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेता हूँ। और देन सिलेक्ट करने के बाद हमें इसे मतलब वीडियो के मुताबिक इसे बड़ा कर लेंगे, जितना बड़ा आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो उतना कर लेंगे बड़ा। और उसके बाद फिलहाल मैं इसका कलर जो है ये ब्लू कर देता हूँ। और ब्लू करने के बाद हमें क्या करना है, इस लेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है और फिर मीडिया पर क्लिक करेंगे। और गाइज, क्लिक करने के बाद हमें एक वीडियो ले लेनी है जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं उस वीडियो को यहाँ पर ले लेता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो रहा, मैं इसे फ़िलहाल ले लेता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन से इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से आप कर लीजिएगा। और फिलहाल मैं इसे लेने के बाद इस वीडियो पर क्लिक करेंगे और इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। और ये जो आइकन दिख रहा है ये ऑफ है, तो हमें ये इनेबल मतलब ये फुल स्क्रीन कर देना है इस पर, फर्स्ट वाला आइकन पर क्लिक करके। तो ये हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इसे ट्रिम कर देंगे, यहाँ से इसे कैंची वाले आइकन में क्लिक करके और ट्रिम टू राइट कर देंगे। तो फिलहाल मैं 8 सेकंड का वीडियो बनाकर आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो हमारे कुछ लंबा वीडियो हो जाएगा। तो फिलहाल मैं 8 ही सेकंड का बनाता हूँ, आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं बड़ा। तो चलिए फिलहाल मैं इतना ही बड़ा रहने देता हूँ। और उसके बाद क्या करना है गाइज, इस वीडियो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे, देखिए ये नीचे है क्रोमा की, इस पर आएंगे और देन हमें इसे इनेबल कर देना है इसे। और इनेबल करने के बाद गाइज क्या करना है, हमें ये जो 28 है इसे हमें यहाँ पे ऐसे करना है, और ऐसे तो ये हो गया, तो हमें इसे 40 करना है इसे। और ये जो की कलर दिख रहा है इसे हमें ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। चलिए फ़िलहाल मैं ये ग्रीन सेलेक्ट कर लिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसे हमें ऐसे यहाँ पे कर देना है 50 50, ये हो गया। अब उसके बाद हमें इसे ऐसे इसे भी 50 कर देते हैं, 50। और इसे हल्का थोड़ा ऐसे कम कर लेंगे, 45। नहीं 45 नहीं, यहाँ पे फ़िलहाल 50 ही रहने देता हूँ मैं। और ये 32, ये हो गया दोस्तों। और उसके बाद देन हमें इसे यस कर देना है। और अब उसके बाद क्या करना है, हमें इसमें फ़ोटो जो ऐड करना है आपको, इस पर लेयर वाले आइकन में क्लिक करेंगे और फिर मीडिया पे। और इसके बाद आप इसमें जो मतलब फ़ोटो ऐड करना चाहते हैं अपना या किसी और का भी, तो यहाँ से आप उसे ऐड कर लेंगे। तो चलिए फ़िलहाल मैं आपको एक फ़ोटो ऐड करके दिखा देता हूँ। फिलहाल ये वाला फ़ोटो मैं यहाँ पे ऐड करके दिखा देता हूँ आपको, इसे पूरे वीडियो के एंड तक ऐसे ला देंगे। और इसे क्या करेंगे, इस वीडियो पे क्लिक करेंगे और 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और इसे ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे ऐसे। और करने के बाद क्या करना है, ये देखिए आपका जो पिक्चर है यहाँ पर आ गया है, तो हमें फ़िलहाल इसे यहाँ पर कर लेना है। और इसे हल्का छोटा कर लेंगे ऐसे, और इसे यहाँ पर ऐसे ला देंगे, ये तो हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आएंगे फर्स्ट में और इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे चाबी का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और इसे हम हल्का सा ऐसे बढ़ाएंगे और जो इस पिक्चर को है यहाँ पे ऐसे लाएंगे, ये हो गया। और इसे हल्का बढ़ाएंगे ऐसे और ऐसे ऐसे यहाँ पर लाते रहेंगे ऐसे 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 हमें लाते रहना है इस पिक्चर को, इस फ्रेम में मतलब पूरे ऐड करते रहना है ऐसे। आप ऐसे सेम कीजिएगा जैसे मैं ऐसे ऐड कर रहा हूँ, ऐसे कर लेना है। ये तो ऐड हो गया, बस ये हो गया। और देन इसे हम यस कर देंगे। उसके बाद इस जो सेकंड फ्रेम है
फ्रेम है, इसमें एक फ़ोटो ऐड करना होगा। तो चलिए फ़िलहाल मैं एक और फ़ोटो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक और फ़ोटो यहाँ से फ़िलहाल मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे पूरे वीडियो के एंड तक यहाँ पे ला देंगे। और लाने के बाद गाइज हमें इसे यहाँ पे ऐसे देख लेना है और फिर इस वीडियो पर क्लिक करेंगे और ये थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और इसे ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे। तो देखिए आप, ये हमारा जो फ़ोटो है वो फ्रेम में ऐड हो गया। अब हमें इसे एडजस्ट करना है बढ़िया से। तो यहाँ से हम इसे ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट में आ जाएंगे और फर्स्ट में आने के बाद इसे हम ऐसे जो ये पिक्चर है यहाँ पे ऐसे हम यहाँ पे ला देंगे। और लाने के बाद क्या करना है गाइस, इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे और इस चाबी वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और इस फिर इसे भी हम ऐसे हल्का हल्का भगाएंगे और इस फ्रेम में इस फ़ोटो को ऐसे एडजस्ट करते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ऐसे एडजस्ट करते रहेंगे। ऐसे एडजस्ट करते रहना है। ये देखिए एडजस्ट हो गया दोस्तों। अब उसके बाद फ़िलहाल गाइज हमें क्या करना है, देख सकते हैं आप ये वीडियो हमारा। अब इसमें एक हमारा बटरफ्लाई लगाना है यहाँ पे इस फ्लावर पे। तो हमें इस लेयर वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और फिर मीडिया पे क्लिक करेंगे और मीडिया पे क्लिक करने के बाद हमें एक ग्रीन स्क्रीन लेना है, बटरफ्लाई ग्रीन स्क्रीन वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे अवेलेबल। तो देख सकते हैं दोस्तों ये ओपन हो गया और उसके बाद हमें यहाँ से बटरफ्लाई ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ले लेना है। तो चलिए फ़िलहाल मैं इस वीडियो को वहाँ से ले लेता हूँ, ये वो वीडियो रहा और यहाँ से मैंने देनी से ले लिया। और लेने के बाद इसे जो इसका अदर पार्ट है यहाँ से मुझे ट्रिम कर देना है, ये इसका जो अदर पार्ट है यहाँ से इस कैंची वाले आइकन करके ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है और देन इसे यहाँ पे ऐसे ला देना है। और लाने के बाद इसे हल्का सा इसमें अदर पार्ट है इसका, तो हमें इसे भी ट्रिम कर देना है। और फिलहाल हमें इसे वैसे जूम कर लेना है और यहाँ पे नीचे आ जाना है क्रोमा की और इसे देन इनेबल कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ इनेबल करने के बाद ये कुछ इस तरह का रहा और ये इस तरह, तो हमें ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसे यहाँ पे लाना है इस फ्लावर पे, इस फ्लावर पर ला के यहाँ पे इसे ऐड कर देना है, यहाँ पे एडजस्ट कर देना है और जो इसका वॉल्यूम है यहाँ से मुझे ऑफ कर देना है ऐसे। और फिर हमें इसे डुप्लीकेट कर लेना है, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर नीचे दिख रहा है डुप्लीकेट, इसे कर लेंगे, ये डुप्लीकेट हो गया। और फिर इसे हम यहाँ से ऐसे लाएंगे और एक यहाँ पे ये जो बटरफ्लाई है इसे ऐड कर देंगे, तो ये ऐड हो गया। तो चलिए फ़िलहाल हमारा वीडियो अब बन के तैयार हो गया, चलिए मैं इसे फ़िलहाल प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, ओके बाय बाय।